नोएडा फरीदाबाद नहीं अब दिल्ली गुरुग्राम के 28 होटलों में ठहरेंगे मेहमान, विदेश मंत्रालय का फैसला। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को अब सिर्फ दिल्ली व गुरुग्राम के होटल में ही ठहराया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के किसी भी होटल में विदेशी मेहमान नहीं ठहरेंगे। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने होटलों की सूची बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियों को भेज दी है। वहीं दिल्ली के 11 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सभी में नोडल अफसर बना दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले यह तय हुआ था कि विदेशी मेहमानों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व फरीदाबाद के 32 होटल में ठहराया जाएगा। इसके बाद होटल्स की संख्या को 25 कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व अन्य सिविक एजेंसियों ने तैयारी कर ली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NCR में स्थित इन होटल से रूट लगाकर विदेशी मेहमानों को प्रगति मैदान तक लाने का ट्रायल भी शुरू कर दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को पत्र जारी कर कहा कि G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान दिल्ली के 25 व गुरुग्राम के 3 होटल में ही ठहरेंगे। इनमें गुरुग्राम के लीला, ओबेरॉय व ट्राइडेंट होटल शामिल हैं। इसके अलावा एम्स, सफदरजंग अस्पताल, RML अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, GB पंत, LNGP अस्पताल, GTP अस्पताल, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल, दिल्ली सरकार का DHS, RR अस्पताल और सेना के बेस अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है।